ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने आज बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। वहीं अब ये कहा जा रहा है कि चुनाव में उन्हें बड़ौदा विधानसभा सीट से टिकट भी मिल सकता है। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले योगेश्वर दत्त ने हरियाणा पुलिस में डीएसपी पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि हरियाणा के युवाओं में योगेश्वर दत्त काफी लोकप्रिय हैं और इसी का फायदा बीजेपी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में होने वाला है। इस दौरान पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह और पूर्व विधायक बलकौर सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली में चल रही कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म। हरियाणा के मौजूदा 17 विधायकों को टिकट मिलेगा। वहीं 28 और 29 को फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। 30 तारीख को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, साथ ही 30 को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री को राष्ट्रपिता का दर्जा दिए जाने पर ओबीसी के उठाए गए सवाल पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि विपक्ष तो हर उस बात पर तड़पता है जिसमें देश की ख्याति बढ़ती हो या फिर मोदी जी की ख्याति बढ़ती हो, क्योंकि वो देश को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, वो तो देश को डाउन होता देखना चाहते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों के नामों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय यादव ने कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट को फाइनल किया है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नाम शामिल है। वहीं स्टार प्रचारकों का काम मैनिफेस्टो को जनता तक पहुँचाना होगा। कुरुक्षेत्र की पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता कैलाशो सैनी बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। कैलाशो इससे पहले इनेलो में थी, वो इनेलो छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थी, अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गई है। इस दौरान बराला ने कहा कि विपक्षी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी प्रदेश में और मजबूत होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मुद्दा विहीन तमाम विपक्षी दलों की नींद उड़ती जा रही है। हरियाणा में एक बार फिर जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। जगाधरी विधानसभा में कमल शक्ति महिला सम्मेलन किया गया, जिसमें महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल बैरागी ने पहुंचकर आने वाले चुनावों को लेकर जहां महिलाओं में जोश भरा, वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज विपक्ष कहीं भी नहीं है। पिछले बार के चुनावों से इस बार महिलाओं की भागीदारी चुनावों में ज्यादा देखने को मिलेगी। हरियाणा में प्रदेश स्तरीय पैरा एथलीट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में गुलाचिका के खिलाड़ी चैंपियन बने। इस दौरान बच्चों ने स्टेट प्रतियोगिता में 16 मेडल जीते। जानकारी देते हुए कोच सतनाम सिंह ने बताया कि हिसार में विकलांग खिलाड़ियों के लिए प्रदेश स्तर पर पैरा एथलीट खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश भर से सैकड़ों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यमुनानगर के एक निजी अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टरों ने मरीज का पथरी का ऑपरेशन किया और उसके बाद भी पथरी नहीं निकली। अब डॉक्टर पूरा इलाज करे या फोर्टिस और मैक्स अस्पताल चंडीगढ़ रेफर किया जाए और पूरा खर्चा डॉक्टर दे। हरियाणा सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त का दावा पानीपत में हुआ फेल। बिजली विभाग के कर्मचारी रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। ट्रांसफार्मर के नाम पर बिजली विभाग ने रिश्वत ली है। ट्रांसफार्मर का नंबर लगवाने के लिए लाइनमैन 300 की रिश्वत दी और उसके बाद पानीपत बिजली बोर्ड में गेट पर तैनात कर्मचारी को 100 रुपए दिए, फिर ट्रांसफार्मर को क्रेन से रखवाने के लिए भी 100 की रिश्वत दी। वीडियो सामने आने के बाद अब तीनों पर कार्रवाई होगी। नरवाना बाईपास की मांग को लेकर नए बस स्टैंड मार्केट के दुकानदारों का धरना 24वें दिन भी जारी रहा। धरने पर दुकानदारों ने परिवार के साथ बैठ सरकार प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फिर भी सरकार प्रशासन दुकानदारों की सुध नहीं लेती तो आगामी विधानसभा चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा।